दोस्तों, इस वीडियो में मैच जो कवर करने वाले हैं, जो कि सेकेंड T20 मैच खेला जाएगा, एशिया कप का जो कि सेकेंड T20 मैच है, मालदीव्स और सऊदी अरबिया के बीच मैच है। अगर आप देखोगे तो हमने फर्स्ट मैच तो कवर किए हैं, ये सेकेंड मैच है और साथ ही साथ मेरे हिसाब से मैच सही जा सकता है। हालांकि बहुत कम मैच ऐसे लोग ऐसे मैचेस बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट आपको पता, अगर आपके पास स्किल है तो आप कोई भी मैच कवर कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 घंटे ही बच रखे हैं, लेकिन टेंशन मत लो, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर दूंगा, वो भी डेडलाइन से आपको 15 मिनट पहले। तो टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे फाइनल टीम आपको 15-20 मिनट पहले ही मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो भी अपडेट्स देंगे टेलीग्राम पे पहले मिल जाएगा। कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर मिल जाएगा, जो डेथ में बॉलिंग करेगा उसका भी बता देता हूँ, जो पावर प्ले बॉलिंग करेंगे न्यू बॉल से उसको बता देता हूँ, और साथ ही साथ कंप्लीट टीम और भी फ्री टीम, स्मॉल लीग की ग्रैली की टीम मिल जाती है एकदम फ्री में। आप सर्च करोगे तो मेरे नाम से हजारों फेक चैनल्स मिलेंगे, जो कि मेरे बिल्कुल भी नहीं, मेरे एक ही चैनल है जिसका लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स से पिन कर दूंगा। लिंक हैंड अप पर वर्किंग कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो लिंक से ज्वाइन कर लेना, कहीं इधर उधर लिंक नहीं जाएगा। लिंक पर टैप करोगे सीधा टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगा, फिर ज्वाइन वाला बटन दबा के ज्वाइन कर लेना, बस सिंपल सा है। तो टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर, यहाँ पे 33,000 से ज़्यादा लोग हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया नहीं। जब भी आप देखोगे तो सब्सक्राइबर्स आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो टेलीग्राम चाहे जो उसे ज्वाइन कर लेना, फेक मत करना, बस एक रिक्वेस्ट है कि फेक लोगों से दूर रहना। तो ये जो मैच है, ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, 3 घंटे हमारे पास समय ही है। तो ये जो मैच है, कहाँ पे खेला जा रहा है, ये मैच ना सेम विकेट पर आई थिंक खेला जा रहा है, वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दोहा में मैच खेला जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये मैच 4:30 बजे स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अब टाइम बदल चुका है, अब ये 4 बजे, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो, आधा घंटा मेरे पास और कम गया। ये मैच अब 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मैच 4 बजे स्टार्ट होगा, तो आप लोग 3:30 बजे एक्टिव रहना। मुझे लगा था 4:30 बजे डेट है आराम से वीडियो शूट को, बट ऐसा नहीं यार, एकदम आधा घंटा कम गया। सोनी लिव ऐप पे लाइव देख सकते हो, मेरे कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि लाइव कहाँ देखे, कहाँ देखे, सोनी लिव ऐप पे देख सकते हो, लेकिन कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, पहले बता रहा हूँ। बात करते पिच रिपोर्ट, पहले भी बता चुके हैं इस विकेट के बारे में, ये जो विकेट है बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, बैट्समैन को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है और पेसर्स को सपोर्ट मिलता है, यानी कि जो मेन पेसर्स है और जो मेन बैट्समैन है, आप उनको जो से कवर करना, आप कौन से आएगा किनको कवर करना है अभी क्लियर कर दूंगा मैं। पिच ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली है और पेसर्स को पिक करना, ना कि स्पिनर्स को। वेदर क्लियर है, थोड़ा सा हवा जोर से, लेकिन क्लियर वेदर है, ऐसा कोई बारिश के चांस नहीं है। उसके अलावा दोनों टीम के पास अभी तक कोई भी इंजरी न्यूज़ तो अभी तक नहीं आया मेरे पास, आएगा तो अपडेट कर दूंगा मैं। तो अभी सबसे पहले मालदीव्स के देखते हैं, इनके प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस और क्या नहीं है। तो टीम दस, मालदीव्स की टीम दस है मोहम्मद आजम ओपन करने वाले, टीम दस है मोहम्मद रिजवान के साथ ओपन करेंगे, यूसुफ अजियान जो कि टीम दस है वार्नर बैटिंग करेंगे, चंदना जो कि टीम दस है चंदना अमर अमरा विकेरा जो कि टीम दस है वार्नर बैटिंग करेंगे, टीम दस है आदर, उसके अलावा एडम नासिफ जो कि जबरदस्त प्लेयर टीम दस है, एडम नासिफ लीम साफिक ये भी जबरदस्त प्लेयर टीम दस है, उसके अलावा देखोगे महंगे आप कवर कर सकते हो लेकिन कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उसके अलावा इब्राहिम हसन अच्छा प्लेयर हो सकता है, त्रिंदु भी अवेलेबल है, जनका मलिंडा, और उसके अलावा अमिल मारूफ जो कि टीम दस आप ग्रैली टीम को कैप्टन भी करके चल सकते हो, अच्छा विकेट टेकिंग प्लेयर है, और ऐसे भी बहुत से लोग इनको कैप्टन करके चलते हैं, कवर करके चलना अपने टीम स्मॉलिंग में। तो ये है मालदीव्स का लाइनअप, इनका बस एक चीज़ याद रखना, मोहम्मद आजम ओपन करेगा मोहम्मद रिजवान के साथ, बस याद रखना रिजवान ओपन करेगा, रिजवान ही रिजवान रिजवान। उसके अलावा यूसुफ आजान जो कि टीम से वरना बैटिंग करेगा, चंदना जो कि फोन बैटिंग करेंगे, ये सब चीज़ें क्लियर है। मेन बॉलर यहाँ पे अमिल रहेंगे, अमिल मारूफ, लियाम साफिक भी जबरदस्त प्लेयर इनके, और उसके अलावा जनक का, तो ये देख लो इनका मालदीव्स का। अब बात करते हैं सऊदी अरबिया का, तो जिसन बट ओपन करने वाले टीम से सैद खान के साथ ओपन करेंगे, अब्दुल मनान अली वरना बैटिंग करेंगे, फैसल खान फोना बैटिंग करेंगे, मोहसिन साबिर जो कि फिना बैटिंग करेंगे, अब्दुल वाहिद जो कि जबरदस्त प्लेयर टीम से, हिटिंग भी जबरदस्त करता है और बॉलिंग तो अच्छा करता है ये टीम तब से। उसके अलावा मोहम्मद हिसाम शेख भी अवेलेबल है, कासिफ अब्बास भी अवेलेबल है, जैन उलुद्दीन भी अवेलेबल है, उस्माना जी भी अवेलेबल है, अब्दुल वाहिद भी अवेलेबल है, दो अब्दुल वाहिद है इस चीज़ का ध्यान रखना, अब्दुल वाहिद जाफर और उसके अलावा अब्दुल वाहिद बलदारफ, तो ध्यान रखना इस सब चीज़ का। कैप्टन कैप्टन आप एडम नासिफ के साथ जा सकते हो, अब्दुल वाहिद जाफर के साथ जा सकते हो, जाफर हैं ठीक है, जाफर इनको भी कर सकते हो वाइस कैप्टन। बाकी ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर रहा, क्योंकि 3 घंटे बच रखे और एकदम से टाइम कम गया। एंड बात करते प्लेयर वाइज साइंस, लेकिन टेंशन मत लो, कंफर्म बैटिंग ऑर्डर आपको मैं टेलीग्राम पे जरूर से शेयर कर दूंगा, जहाँ पे हमेशा देखो सब्सक्राइबर्स हमेशा बढ़ते हुए रहते हैं, हमेशा बढ़ते रहेंगे, तो टेलीग्राम चाहे जरूर से ज्वाइन कर लेना, 33,000 से ज़्यादा लोग, तो आप भी पीछे मत रहना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपये पे नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ज़्यादा लंबी वीडियो शूट नहीं करना, इसकी भी मुझे टीम देने जानी है यार, तो अभी इसकी फटाफट से शूट करते हैं।
बात करें विकेट कीपर शकील को, से पहले दोस्तों वीडियो को जूस लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और चैनल सब्सक्राइब करके पहले का ऑल पर सेट कर दो, जिससे आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। बात करें विकेट कीपर शकील ऐड फ्री वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि आप अभी के टाइम पे किसी के भी आप वीडियो ओपन कर लो, सब में आपको ऐड मिलेगा। जिसके 1,000 सब्सक्राइबर नहीं उसको भी मिलेगा, लेकिन आप हमारा चैनल पे कोई भी वीडियो देखो बिल्कुल ऐड फ्री, आपको एक भी ऐड नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने चैनल को डीमोनिटाइज करके रख रखा हूँ। वो भी आज से नहीं, मैं मोनिटाइज करता ही नहीं हूँ, जबकि पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं और 3,000 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रखा हूँ। बात करें विकेट कीपर शशि इमरान वगैरह है, लेकिन मैं विकेट आप सबसे पहले तो बता दूँ, एक आपके मोहम्मद आजम भी अवेलेबल है, और मोहम्मद रिजवान जो कि टीम 10 है इस मैच ओपन करने वाले हैं, और मोहम्मद आजम भी ओपन करता है, दोनों ही टीम से ओपन करने वाले हैं। उसके अलावा जेड बट भी है ना, जेड बट अवेलेबल, जेसन बट अवेलेबल है, और उसके अलावा ए मनान अली जिसको इतना लोग ट्राई कर रहे हैं वो वन ऑन बैटिंग कर रहे हैं। तो 4 विकेट कीपर मेरे जो देखे है जिसको लोग, क्योंकि चारों ही टॉप ऑर्डर के प्लेयर है, चारों के चारों टॉप ऑर्डर है, बस ये वरना बैटिंग कर रहे, बाकी तीनों तो ओपनर से यार, ये दोनों साथ में ओपन करेंगे, ये ओपन करेंगे, ये वरना बैटिंग करेंगे। तो अगर चाहो तो 4 ट्राई कर सकते हो विकेट कीपर से, आप ग्रैंड लीग टीम में थोड़ा सा डिफरेंस कॉम्बिनेशन बन जाएगा, बट मैं सिलेक्शन में इसमें नहीं जाऊंगा। मैं फिलहाल के लिए सर सेफर साइड के लिए एक ही विकेट कीपर अभी ले रहा हूँ, बट सेकंड में पिक कर सो मोहम्मद रिजवान जो कि अच्छा रहेगा टीम से, रिजवान। हालांकि मैं एक ही ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने पहले मेन पर से फोकस करना, ऐसा नहीं कि 2 विकेट कीपर ले लूँ, जरूरी नहीं, मुझे भी दो, मुझे एक की जरूरत है, तो मैं मनान अली को पिक कर रहा हूँ, वरना बैटिंग तो सेफ ऑप्शन है। उसके अलावा अब्दुल वाहिद जाफर, देखो प्लेयर सही है, कर सकते हो पिक, कोई दिक्कत नहीं है, हिटिंग अच्छा कर लेता है। उसके अलावा वाहिद अजान भी अवेलेबल है क्या, यूसुफ अजान अवेलेबल है, बट सबसे पहले मैं पिक करना चाहूँगा, इसे स्क्रॉल डाउन करोगे मोहम्मद आजम टीम से भाई अवेलेबल तो है यार, बंदा भारत अवेलेबल है टीम 10 से, यहाँ पे देखो यहाँ वन ऑन बैटिंग करेगा यूसुफ भारत, तो अगर चाहो तो पिक कर सकते हो। और ये जो बंदा है सैयद खान, ये भी टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कर रहा है, तो इसके 5 विकेट कीपर से पिक कर सकते हो, लेकिन बेकार है, मैं पे फिर नहीं कर सैयद खान वगैरह। तो सबसे पहले चन्ना को पिक कर सकते हो, अमर, देखो चन्ना अमर विक्रम जो कि टीम 10 से सही रहेगा, टीम 10 से अगर आप चाहो तो पिक कर सकते हो, फोन में बैटिंग करेगा बट उतना नहीं है। मैं एफ खान है जो कि टीम 10 से, फैसल खान ये भी फोन में बैटिंग करेगा, इन दोनों का आप ग्रैंड लीग टीम ट्राई कर लें। मैं फिलहाल के लिए पिक कर रहा हूँ यूसुफ अजान को जो कि टीम 10 वरना बैटिंग कर लेगा, सही है टीम 10 से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कवर करके चलते। नीचे स्क्रॉल डाउन कर गए तो सिवाय 2 ही प्लेयर एक अच्छे, एक और 2 प्लेयर्स अच्छे हैं, चंदना और साथ ही साथ फैजाल खान, तो अगर चाहो तो दोनों को पिक कर सकते हो, बट मैं 2 ही बैटर भी प्रेफर कर रहा हूँ। थर्ड चाहो तो ट्राई कर लेना चंदा को, ट्राई कर लेना टीम 10 से, मालदीव का तो प्रेफर कर रहा हूँ। उसके अलावा ये नासिर यो उमर, 1 मिनट, अवेलेबल है मालदीव के, तो ये नासिर अवेलेबल तभी मैं पिक करना प्रेफर करूँगा, मैं ऐसा देखा तो नाम नहीं, सऊदी अरब ये नासिर एडम नासिर है, ये नासिर हाँ कवर का एडम नासिर है, जबरदस्त ऑप्शन है टीम 10 से, कैप्टन भी करके चलोगे, आए निसाद एक अच्छा प्लेयर टीम 10 से अवेलेबल था, आई थिंक जो प्लेयर अवेलेबल उसी को टीम में पिक करें, ऐसा नहीं कि बाद में लाइनअप ना आए, क्योंकि ऐसे वजह से लाइनअप नहीं भी आता है यार, बड़ा दिक्कत होता है उस समय, जो यार प्लेयर वो सब अवेलेबल, इब्राहिम ने ना सता है, कवर करके चल सकते हो। अब्दुल वाहिद जो कि टीम 10 से, ये अब्दुल वाहिद अलग है, ध्यान रखिएगा, ये अच्छी बॉलिंग कर लेता है। एम हिसाम शेख जो कि टीम 10 से साइड रखिएगा, अभी के लिए इसको भी साइड रखते हैं, हिसाम शेख को साइड रखते हैं, हिसाम शेख लेकिन अवेलेबल है, मैं क्लियर कर देता हूँ सऊदी अरब, हिसाम शेख का नाम ने देखा था, यह मोहम्मद हिसाम शेख तो साइड रखते हैं। उसके अलावा जेड अलुद्दीन अवेलेबल था, आई थिंक सऊदी अरबिया में जेड अलुद्दीन अवेलेबल था, अवेलेबल है 9th नंबर पे, देखो यहाँ, यहाँ देखो यहाँ पे है ना, चाहो तो कवर कर सकते हो। एच इब्राहिम, एच इब्राहिम कब से आ गया, रुको यार, एच इब्राहिम के हम वाई इब्राहिम पे करना है, तो एच इब्राहिम अवेलेबल नहीं, तब उसको मत कवर करना फिलहाल के लिए, 85% लोग पिक करें बट इसको कवर करने कोई सेंस बनता ही नहीं, क्योंकि अवेलेबल माल देखो इब्राहिम ही अवेलेबल ही नहीं है, एक इब्राहिम है आई हासन जिसे हम कवर कर चुके हैं, तो फालतू में इसको पिक, इब्राहिम हासन ये तो नहीं, नहीं इसलिए गुस्सा आता है, नाम उल्टा क्यों कर, हासन इब्राहिम कर दिया यार, तो इसको ड्रॉप करके चलते, बेकार पिक कर लिया इब्राहिम हासन को, अभी इसी को पिक करो, टीम से अवेलेबल है जेड अलुद्दीन भी अवेलेबल है, नीचे आयरिजान वगैरह, एल साफिक जबरदस्त प्लेयर है जो डोमेस्टिक मैचेस के लिए उनको पता होगा, एल साफिक जबरदस्त प्लेयर, टीम से इसका इंपॉर्टेंट है, 3% सिलेक्शन है भाई, विकेट टेकिंग प्लेयर है जबरदस्त है, कवर करके चलो। अब जो 3 प्लेयर्स लेने हैं, अब मुझे लॉजिक के लिए लेने हैं, क्योंकि 8 प्लेयर से बहुत सेफ ले चुका हूँ, अब नहीं, ठीक है, अब जो 7, हाँ इसे एक दो रिस्क वाले प्लेयर है, बट हाँ आपको जो 3 प्लेयर्स दे रहा हूँ थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। पहली बात तो
अच्छा अमिल मारूफ इंपॉर्टेंट भाई, ये जो 9 प्लेयर्स है ना ये इंपॉर्टेंट है टीम 10, 9 प्लेयर्स को कवर कर चलो। अब जो 2 प्लेयर्स है अब आपके विनिंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा या फिर बोलो किस्मत के ऊपर। मैं बहुत बॉलर पिक कर चुका 4 जो कि मेरे हिसाब से इनफ रहेंगे। आतिफ रहमान अवेलेबल नहीं आई थिंक सऊदी अरेबिया की टीम 10 से, एक तो टाइम कम है, अब्दुल वाहिद है नहीं अवेलेबल, तो इसको पिक मत करना। 4 ही बॉलर अवेलेबल है, चारों को कवर चलते। अब उसके अलावा इब्राहिम नस्ता रहता तो पिक कर लेता, हासिम शेख को यहाँ पे कवर कर सकते हो या फिर चाहते एक बैट्समैन बढ़ा सकते हो या फिर विकेट कीपर। मैं मोहम्मद रिजवान को पिक कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो टीम 10 विकेट कीपिंग प्लस ओपन करती है, इसको पिक करके चलते। अब जो 11 प्लेयर है आपको ऊपर डिपेंड करता है, देखो मैं कंप्लीट टीम दूंगा, मैं डाउट जो क्लियर कर देता हूँ। तो जो 10 प्लेयर्स ले चुका काफ़ी सही है, टॉप ऑर्डर मैंने कवर किया हो, जो मेन बॉलर्स उस सबको भी मैंने कवर किया है, क्योंकि मुझे बहुत सही टीम लग रहा है, बहुत सही है मेरे हिसाब से। तब जो चाहो अपने टीम में चेंजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए जिसन भट भी अच्छा है, एक ओपनर टीम 10 है सऊदी अरेबिया का, अगर चाहो तो अपनी टीम में जगह दे सकते हो। बट मैं फिलहाल के लिए फैजाल खान वगैरह ना पिक करके हासिम शेख इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि बॉलिंग भी कर लेगा बंदा और कुछ रन है स्कोर भी कर सकता है। हालांकि रन से होप मत करना, मैं इसी बॉलिंग की होप से ले रहा हूँ कि एक विकेट लेके दे ही दे कम से कम। ओवरऑल एक सेफर 6-5 का कॉम्बिनेशन और एक स्मॉल लीग के लिए बेस्ट टीम क्रिएट हो चुकी है। अगर लाइनअप्स नहीं भी आता है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये टीम है मतलब प्रोबेबल के आधार पे बहुत सही टीम, जो प्लेयर सेवल उन्हीं को मैंने कवर किया हूँ, जो कि टीम एकदम सही भी है। कैप्टन कैप्टन बात करें, हालांकि मेन बॉलर से कुछ खास नहीं है, मैं 4 अल साफ एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, कवर के चलना काफ़ी अच्छा स्पिनर है। हालांकि इस विकेट पे पेसर्स को सपोर्ट मिलता है इसलिए मैं ज़्यादातर पेसर्स से कवर किया हूँ, लेकिन फिर भी अल साफिक में ट्रम्प कार्ड क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है टीम 10 से। अच्छा तो साफी को ड्रॉप कर सकते हो और साफी की जगह पे चंदना अमर विक्रम को ट्राई कर सकते हो या फिर फैजाल खान को या फिर आप मोहम्मद आजम उनको ट्राई कर सकते हो। बट जो लोग पुराने प्लेयर हैं उनको पता होगा ये अल साफिक से नाम याद हो गया। कैप्टन कैप्टन देखो बहुत यहाँ पे एडम नासिफ को कर रहे हैं नो डाउट, बट कुछ नया करना है ना तो ए मनान अली को करना, ग्रल ही टीम में बता रहे स्मॉलिंग में नहीं, और साथ ही साथ अमिल मारूफ को करना और साथ ही साथ कर लेना जेडलुद्दीन अच्छी रहेंगे और अल साफिक, इन सबको ग्रेली टीम ट्राई करना और यूसुफ अजयान भी अच्छी रहेंगे। मैं एज ए कैप्टन प्रिफे करूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हूँ ना, एज ए कैप्टन यहाँ पे जा रहा हूँ एडम नासिफ के साथ एज ए कैप्टन, वाइस कैप्टन ए वाहिद के साथ ना जाके मैं अपना वाइस कैप्टन जाना चाहूँगा। थोड़ा सा चेंज तो मैं करूँगा ही करूँगा क्योंकि ऐसे सेफर तो मैं नहीं खेलने वाला हूँ और मैं सेफ तो बिल्कुल नहीं खेलूँगा। चाहे आप जाफर के साथ चल जाओ अच्छी रहेंगी टीम 10 से जाफर, या फिर आप चाहो तो मैं पर्सनल प्रेफर करूँगा नहीं यार आज। अगर आप जाते हो अब्दुल वाहिद के साथ ना, तो देखो ये अब्दुल वाहिद तो डिफरेंस तो है भाई, बहुत से लोग इनको कर रहे हैं, हालांकि ये अच्छी रहेंगे टीम 10 से, ये भी ऐसे ही है बहुत से इनको कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको प्रेफर करूँगा अपना वाइस कैप्टन। फिलहाल के अपना वाइस कैप्टन इन्हीं के साथ जा रहा हूँ, बट मेरा मन था जुलब्दीन को, बट ये सब साइड रखते हैं, अपना वाइस कैप्टन अब्दुल वाहिद जाफर के साथ जाते, काफर या बोलो जो भी टीम 10 से, मेरे हिसाब से वाइस कैप्टन सही रहेगा टीम 10 से, क्योंकि ये बंदा एक्सपीरियंस भी है, बैटिंग भी आई जाएगी सऊदी अरेबिया का, साथ ही साथ सही प्लेयर टीम 10 से, बॉलिंग ये भी करता है, ऐसे कोई नहीं कि बॉलिंग नहीं करता भाई, बॉलिंग ये भी करता है, काफ़ी बॉलिंग कर चुका है, ये भी बॉलिंग करता है, बट ये भी अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन हिटिंग ये अच्छा करके देगा, बस यही एक फ़र्क है। इस बंदे से हिटिंग की होप मत करना उतना, हाँ भले ही 1-2 विकेट लेके दे दो वो बात अलग है। अभी सेम चार कॉन्टेस्ट बुक, देखो वाइस कैप्टन में चेंज करूंगा, अभी 3 घंटे ना मेरे पास समय, इसलिए ज़्यादा मैं सोचा नहीं, अभी सेम चार कॉन्टेस्ट बुक कर लो। आफ्टर टॉस तो ऐसे लाइनअप आ ही जाएगा, और एक बार मैं टॉस भी देखूंगा, टॉस फैक्टर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टीम मैटर करता है। तो मैं मिलता हूँ टेली यहाँ पे, अभी सेम से अगर कॉन्टेस्ट बुक कर दो सेम टीम के साथ, जाके इन्वेस्टमेंट करो, हालांकि कम इन्वेस्ट करना, इसमें अच्छे से ना के बारे में इन्वेस्टमेंट कर दो तो अच्छा रहता है, ना के बराबर, इससे अच्छा आप जो वुमेंस का जो सीरीज चल रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट करो, वो ज़बरदस्त होगा। स्क्रीन शॉट लो जाकर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, और मैं मिलता हूँ टेली यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन, उस पर टैप करके ज्वाइन कर लो।